अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। आज है मौसम थोड़ा सा बारिश वाला, तो क्यों ना हम मीठी चीज़ों से हट के थोड़ा सा वेजिटेबल ट्राई करें। तो आज हम बनाते हैं लंच में दाल चावल और पकौड़े। पकौड़े हम बनाएंगे पालक वाले, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आइए मेरे किचन में, हम तैयारी करते हैं पालक के पकौड़ों की। मेरे पास है 250 ग्राम्स पालक, जिसको कि मैंने एक से दो दफ़ा अच्छी तरह वॉश किया, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा मेरे पास है एक आलू और एक प्याज है, जिसे हम बारीक बारीक चॉप करेंगे। सबसे पहले तो हम पालक को बिल्कुल अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर देंगे, बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है इसको। इसी तरह से प्याज और आलू को भी हम बारीक बारीक चॉप कर देंगे। अच्छा, नॉर्मल पकौड़ों में भी प्याज और आलू तो इसी तरह से काटा जाता है, बस स्पिनच मैं इसमें एडिशन कर रही हूँ। और आलू इस तरह से बारीक कटे हुए पकौड़ों में बहुत मज़े के लगते हैं। चल लीजिए, अब एक बर्तन में इसको हम डालते हैं और मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसन डालेंगे 2 कप के बराबर, और सॉल्ट हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टीस्पून। क्रश्ड धनिया 1 टीस्पून लेंगे, बेकिंग सोडा 1 पिंच, चाट मसाला हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून, थोड़े से धनिया लीव्स हैं जो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब पहले तो आपने इसको ड्राई ड्राई मिक्स करना है, पानी हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद अब आपने इसमें 1/2 कप पानी डालें, लेकिन बिल्कुल आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा करके, जितनी भी ज़रूरत हो, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल पेस्टी फॉर्म में नहीं बनाना, बिल्कुल ड्राई मिक्सचर बनाना है। के बाद अच्छे से गरम घी में आपने पकौड़े डालने, ठंडे घी में नहीं डालने आपने। ये ऑयल गरम करके इसमें आपने थोड़े थोड़े हाथों की मदद से जो पकौड़ों का बैटर है वो इसमें ऐड करते जाना है, और 2 से 3 मिनट लगेंगे दोनों साइड्स को। आपने गोल्डन ब्राउन कर देना है और इसके बाद आपने निकाल देना है। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से ऐसे पकौड़े बनते हैं वेजिटेबल वाले, तो आप ये ट्राई करें। मैं तो इसको दाल चावल के साथ सर्व कर रही हूँ, और आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं स्नैक के तौर पे, शाम को केचप के साथ। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।